चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का लुक जो मैंने क्रिएट करा है दैट इज़ वेरी इजी टू क्रिएट, वेरी सिंपल। बस जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो होंगी मेरी लैशेस, जो बहुत अफोर्डेबल है, आप देखेंगे आगे। सबसे पहले मैं अपनी क्रीज पे, अपनी आईलिड्स पे पैक का कंसीलर लगा के उन्हें सेट कर लूँगी। सेट मैं कर रही हूँ आई शेडो से, आप कोई भी न्यूट्रल टोन की आई शेडो लीजिए, उन्हें ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सेट कर लीजिए। और जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो है शीन से मंगाया हुआ ब्रश, मैंने लास्ट वीडियो में इसे मेंशन किया था, नहीं देखी तो गो चेक दैट वीडियो आउट। इसके बाद मैं अपनी क्रीज बिल्ड कर रही हूँ यूजिंग द सेम ब्रश। मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम ब्रशेस यूज़ कर सकूँ। आज मैंने दोनों आई का मेकअप करके दिखाया है आपको, वीडियो में कुछ ज़्यादा था नहीं तो मैंने इसलिए दूसरे आई का एडिट नहीं करा, मैंने देखा कि देख लो। मैंने आईब्रोज भी आज ऑन कैमरा ही फिल करी हैं। इसके बाद मैंने अच्छे से क्रीज को ब्लेंड करा है। कुछ भी नहीं, आज का पूरा लुक ये आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि ब्राउन टोन में है आई लुक। कोई शिमर शेड यूज़ नहीं करा, ये जो दो मैट मैंने शेड्स आपको दिखाए मैं इन्हें और अपनी क्रीज में ऐड करूँगी। एडिंग मोर कलर्स टू योर क्रीज जस्ट एड्स डेप्थ टू योर आई लुक। एक कलर से क्रीज बिल्ड करना मे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को और कोई कलर ऐड करना नहीं था, तो आज मैंने थोड़ा आई लुक के साथ टाइम उसको ज़्यादा दे दिया, दैट्स इट। जो ये लैशेस हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये बेस्ट लैशेस हैं। अगर आप न्यू कमर हैं प्लीज़ बाय दीज। आप अमेज़ॉन वाली जो मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई हैं आप वो भी ले सकते हैं, बट वो न्यूट्रल, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक में आती हैं। ये जो हैं ये बिल्कुल आपकी आईज़ को कैट आई इफ़ेक्ट देती हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। मैंने दिखाऊंगी आगे जाके आपको वीडियो में। 335 रुपीज़ की इनकी MRP है, और इससे बेटर आई डोंट थिंक और कुछ है इससे बेटर। आई हैव यूज्ड हुडा ब्यूटी की। अच्छा पहले आप आई लुक देख लो, कुछ भी नहीं है वैसे तो, मैंने बस ब्राउन शेड अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से लिड्स पे अप्लाई करा है और उसके हार्श एजेस फिर मैं जाके ब्लेंड कर दूँगी। दैट्स इट, दैट्स द कम्प्लीट आई लुक। इसके बाद मैं नॉर्मल अपना फाउंडेशन, ब्लश और लिपस्टिक लगाऊंगी, आईलाइनर लगाऊंगी, और आप लोग देखेंगे कैसे काफ़ी सिंपल नॉर्मल लुक को आईलैशेस ऐड करना एनहांस कर देता है आपकी पूरी लुक। बट ट्रस्ट मी, अगर कोई भी मेरी रिकमेंडेशन माने तो प्लीज़ जस्ट बाय दिस लैशेस। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, नायका पे मिल जाएंगी, पैक के शोरूम में मिल जाएंगी, पैक की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आपको जहाँ से कंफर्टेबल हो, जिससे आपको डिलीवरी हो रही हो आप वो ले लें। यहाँ पे आप यू नो द ड्रिल बाय नाउ। ये फाउंडेशन मेरा कोई मैं नए तरीके से नहीं लगा रही, पिछली 12-13 वीडियोज़ में मैंने ऐसे ही फाउंडेशन लगाया है, तो आप वो देखो। तब तक मैं आपको लैशेस के बारे में बता रही हूँ। तो जो ये लैशेस हैं ये आप आराम से, ये रीयूजेबल लैशेस हैं, आप इनको आराम से अगर आप अच्छे से मेंटेन करो तो 7-8 टाइम्स आप आराम से यूज़ कर सकते हो। मैंने करी हुई है 7-8 टाइम्स यूज़, और उसके बाद भी ऐसे नहीं कि इनकी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। आप अच्छे से जब भी आप यूज़ करो उसे क्लीन करके रखो, दे विल इवन लास्ट यू लॉन्गर। तो ये जो शेड है इन लैशेस का, ये M72 है, ये मिंक लैशेस हैं पैक की, और ट्रस्ट मी बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग लैशेस हैं। इसके बाद अच्छा, कई लोगों को डाउट होता है कि हमें पता कैसे लगता है कि कौन सी आई पे कौन सी लैश लगेगी, तो ये बात शायद मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में मेंशन करी हुई है कि आई लैशेस आगे से छोटी होती है, इनर कॉर्नर से उनकी हेयर लेंथ छोटी होती है, तो वो अप्लाई वहाँ पे करनी होती है। जो फैंड आउट होता है, लंबी लेंथ वाले बाल होते हैं, वो आपकी पीछे की तरफ आते हैं। कई की आईज़ छोटी होती हैं तो उनको ट्रिम करनी पड़ती हैं आई लैशेस सीजर से, तो वो पीछे की तरफ से हमेशा कट होती हैं, कभी भी आगे की तरफ से जहाँ छोटे बाल दिए होते हैं लैशेस में वहाँ से ट्रिम नहीं होती। आपको पीछे के तरफ से ट्रिम करके अपनी आई पे एडजस्ट करके लगानी होती है। और
बस, और बाकी काफ़ी अच्छी लैशेस हैं इनकी, और भी बहुत सारे वेरियंट्स हैं इनके लैशेस में, बट दीज आर माय पर्सनल फेवरेट्स। ये विस्पीज में हैं और बहुत बहुत अमेजिंग है। अभी नाउ यू कैन सी मी डूइंग माय ब्लश। ब्लश अप्लाई करने के बाद मे बी आई अप्लाई द लिपस्टिक और आई अप्लाई द आई लाइनर। नो, आई एम जस्ट एडिंग कोल टू माई अपर लैश लाइन। ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। जो लोग मस्कारा, आई जनरली डोंट प्रेफर यूजिंग वाटर प्रूफ मस्कारा ऑन माई लिड्स, वो मेरी लैशेज तोड़ता है। तो मैं जनरली जब मुझे नहीं ऐसे करना होता लैशेज, मतलब मस्कारा नहीं लगाना होता, आई जस्ट फिल माई लैश लाइन विद द कोल और वो बहुत फुल इफेक्ट देती हैं आइज़ को। नाउ यू कैन सी मी डूइंग माई आई लाइनर। यहाँ भी मैंने हल्का सा, नॉट टू बोल्ड, और बिल्कुल हल्का सा विंग ऐड करा है अपनी लाइनर में, और इनवर्ड भी अपने विंग को एक्सटेंड करा है, मतलब इनवर्ड भी विंग हल्का सा बनाया है। मैंने आज दोनों आईज पे करके दिखाया है सो दैट यू गाइस कैन गेट अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ आई मेक माय लाइनर। बट दिस थिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ये एक बारी में मेरे से भी नहीं अचीव हुआ, किसी से भी नहीं होता, हम सबसे में से किसी से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वन बारी में कोई इतना प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग ऐसा आईलाइनर अचीव करेंगे। मैंने भी, मेरे को बहुत टाइम लगा ये सब परफेक्टली बनाने में वन गो में। लैशेस लगाना भी आई नो फॉर बिगिनर्स इट कैन बी अ ट्रिकी थिंग टू डू, बट आप विद द राइट प्रोडक्ट, इफ़ यू यूज राइट थिंग्स, यू कैन डू वंडर्स। सेम विद द आई शेडोज, पहले आप लोग ब्लेंड करने में इतना नहीं होते, बट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। आप घर पे, कहीं जाने के लिए नहीं, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपको ब्लेंडिंग भी समझ में आने लग जाएगी और मेकअप इज़ ईजी। इसके बाद आपने मेरे को देखा अपनी लैश, अपने आईब्रोज फिल करते हुए। इफ़ यू वॉन्ट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि हाउ आई एम डूइंग माई आईब्रोज इन द क्वारंटीन, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू शूट दैट फॉर यू गाइज। राइट नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग माई लिपस्टिक। दिस इज़ अ लिपस्टिक फ्रॉम जेराड कॉस्मेटिक्स इन द शेड 1995। दिस यूज टू बी माई फेवरेट लिपस्टिक सम 2 years back। मैं रोज़ इसे अप्लाई, नाउ दिस इज़ द लैशेज, दीज आर द लैशेज आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लैशेज हैं गाइज। इनको मैंने अप्लाई भी पैक की ग्लू यूज़ करके दिया। ऑनेस्टली ये ग्लू इतनी मुझे अमेजिंग नहीं लगी। इफ़ यू कैन इन्वेस्ट, इन्वेस्ट इन मैक की डुओ, दैट इज़ अ सर्जिकल ग्लू, ना आपकी आईज़ को इरिटेट करेंगी। मुझे आज पता नहीं क्यों, या तो ये एक्सपायरी डेट के आसपास हैं या ये सूख गई है। मेरे को आज इसको लगाने के बाद हल्का सा वाटरी आईज़ रही मेरी थोड़ी देर तक, बट दैट इज़ नॉट द इशू राइट नाउ। अभी आप ये लैशेस देखो कैसे इसने मेरी आईज़ को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। शेडोज़ पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता जब इतनी सुंदर आप लैशेस अप्लाई करी होती हैं आपने। ये देखो, दैट वॉज द कम्प्लीटेड लुक यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, कमेंट डाउन बिलो विच लुक यू वॉन्ट मी टू क्रिएट नेक्स्ट, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।